बीकॉम फाइनल पेपर सेकंड, बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सिस्टम। आज का टॉपिक मुद्रामान। आज 30 मुद्रामान टॉपिक को लिए हुए आज तीसरा दिन है। अगला जो अपना मुद्रामान में है वो है पत्र मुद्रामान। पत्र मुद्रामान संकटकालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया मान है। जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देशों द्वारा श्रम मान और अन्य धातु मानों को त्यागने के लिए विवश होना पड़ा, तब उनके द्वारा पत्र मुद्रा मान को संकटकालीन मित्र के रूप में अपनाया गया। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत देश की प्रधान मुद्रा कागज की होती है, जो किसी भी धातु से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है। इस मान के अंतर्गत मुद्रा की इकाई की कीमत किसी धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर नहीं रखी जाती है। पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य नगण्य होने के कारण इसे कुछ लोग प्रादिष्ट मान कहते हैं। पत्र मुद्रा केवल सरकार की साख या विश्वास पर चलती है, इसलिए इसे साख मान के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पत्र मुद्रा सरकार की साख या विश्वास पर चलती है, इस कारण इसे साख मान के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत पत्र मुद्रा किसी बहुमूल्य धातु के परिवर्तनीय न होकर केवल चलन में पत्र मुद्रा में ही परिवर्तनीय होती है, इसलिए इसे चलन विनिमय मान भी कहते हैं। देश का मौद्रिक अधिकारी पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत पत्र मुद्रा और बैंक मुद्रा की यथोचित मात्रा और मूल्य बनाए रखने के लिए निरंतर रूप से सचेत और प्रयत्नरत रहता है, ताकि मुद्रा की मात्रा और मूल्य को नियंत्रित कर देश के आर्थिक विकास को वांछित दिशा एवं गति प्रदान की जा सके। मुख्य अधिकारी के प्रबंध और नियंत्रण में संचालित होने का कारण इसे प्रबंधित मान कहा जाता है। अब सारांश रूप में पत्र मुद्रा मान का आशय उस संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था से लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत देश की प्रधान मुद्रा कागज की होती है और जो असीमित विधि ग्रह तथा परिवर्तनीय होती है। अब पत्र मुद्रा मान की विशेषताएं। पहली है पत्र मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा है। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत कागज के नोट ही देश की प्रधान मुद्रा होती है तथा जो असीमित विधि ग्रह होती है। छोटे छोटे भुगतानों की सरलता के लिए हल्के और निकष्ट धातुओं के सिक्के सहायक मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहते हैं, किंतु ये सीमित विधि ग्रह होते हैं। दूसरा है अपरिवर्तनशीलता। इसमें जो दूसरा विशेषता है वो अपरिवर्तनशीलता है, यानी ये किसी भी धातु में परिवर्तन नहीं होती है। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत नियमित पत्र मुद्रा न तो स्वर्ण, रजत अथवा अन्य किसी धातु में परिवर्तन नहीं होती है और न ही इसका किसी धातु से किसी प्रकार संबंध होता है। पराय पत्र मुद्रा की मात्रा का निर्गमन भी धातु की पूर्ति से परिसीमित नहीं होता है। तीसरा है विशेष कानून द्वारा मुद्रा का निर्गमन और नियमन। पत्र मुद्रा का निर्गमन एवं नियमन सरकार के विशेष विधान द्वारा होता है, जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सामान्यतः मुद्रा का निर्गमन कानून की सीमाओं के भीतर ही रहता है या तो देश की केंद्रीय सरकार या फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है।
भारत में रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन एवं नियमन करती है। मुद्रा चौथा है मुद्रा के मूल्य का निर्धारण। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत स्वयं पत्र मुद्रा का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए इसके मूल्य का निर्धारण स्वतंत्र रूप से या तो सरकार के द्वारा किया जाता है या फिर बाजार की मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। फिर है पांचवा विदेशी भुगतानों के लिए कोष। पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य शून्य होता है, इस कारण से विदेशी भुगतानों के में सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः विदेशी भुगतानों की समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ मात्रा में बहुमूल्य धातु कोष रखने पड़ते हैं। छठा है विविध मूल्य की मुद्राएं। इसमें पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत छोटे बड़े अनेक मूल्यों के कागजी मुद्राएं छापी जाती है, जिससे सभी प्रकार के भुगतान करने में आसानी होती है। भारत में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट निकाले जाते हैं। अब पत्र मुद्रा मान के गुण। इसमें पहला गुण है लोचशीलता मौद्रिक मान। पत्र मुद्रा मान सर्वाधिक रूप से लोच पूर्ण मौद्रिक मान है, क्योंकि इसके अंतर्गत आसानी से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किए जा सकते हैं। मुद्रा निर्गमन के पीछे किसी प्रकार के धात्विक कोष नहीं रखे जाने अथवा न्यूनतम कोष रखे जाने के कारण जब चाहे जितनी मात्रा में चाहे मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर पत्र मुद्रा अधिकारी चलन में जारी मुद्रा को कभी भी वापस ले सकता है। भारत देश में अभी 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण इसका ज्वलंत उदाहरण है। दूसरी है मितव्ययता। पत्र मुद्रा मान सबसे अधिक सस्ता मान होता है, इसका कारण मुद्रा निर्गमन के पीछे अधिक धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। धातु सिक्कों की अपेक्षा पत्र मुद्रा छापना अधिक सस्ता पड़ता है। पत्र मुद्रा की घिसाई धातु मुद्रा की तुलना में काफ़ी कम होती है और पत्र मुद्रा से वहनीयता अधिक होने के कारण इसके लाने ले जाने पर कम ये होता है। और फिर अगला है विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष उपयोगी। विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष उपयोगी। ये विकासशील राष्ट्रों के लिए या गरीब राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। ये गरीब राष्ट्रों के लिए कुबेर के खजाने के समान होता है, जिससे जितनी चाहो उतनी मात्रा में मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। अब चौथा है आंतरिक कीमत स्थायित्व। कौशल मौद्रिक प्रबंध के माध्यम से मुद्रा की मात्रा में इसकी मांग के अनुरूप आसानी से समायोजन किए जा सकते हैं। जिससे देश के आंतरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व बना रहता है। पांचवा है विनिमय दर में स्थायित्व। यदि किसी कारणवश विनिमय दर का संतुलन भंग हो जाता है तो आंतरिक मूल्य स्तर के परिवर्तन स्वतः ही आयात निर्यात के परिवर्तनों के द्वारा इसे पुनः संतुलन की स्थिति में ला सकते हैं। पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत कीमत स्तर में स्थायित्व के माध्यम से विनिमय दर में भी स्थायित्व रखा जा सकता है, यानी कीमत स्तर में स्थायित्व रख के विनिमय दर में भी स्थायित्व रखा जा सकता है। फिर अगला है स्वतंत्र आर्थिक नीति अपनाना संभव। पत्र मुद्रा मान में किसी देश की आर्थिक नीति अन्य देशों के साथ संबंधित नहीं होती है,
सरकार द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन एवं नियमन देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से कर सकती है। फिर सातवां है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं विकास। श्रीमती रॉबिन्सन ने कहा है, सर्वमान की प्रवृत्ति मुद्रा संकुचन की ओर रहती है, जिसके कारण देश के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, किंतु पत्र मुद्रा मान के अंतर्गत देश के उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग हो सकता है। ये श्रीमती रॉबिन्स के विचार हैं। मुद्रा की पूर्ति को विकास वित्त की आवश्यकता अनुसार आसानी से परिवर्तित कर समाज आर्थिक विकास के अवरोध मार्ग को गतिशील किया जा सकता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा मान का अनुकूलतम उपयोग और विकास किया, यानी साधनों का अनुकूलतम उपयोग और विकास किया जा सकता है। फिर अगला है, अर्थव्यवस्था की बाह्य प्रभावों से मुक्ति। इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के आर्थिक दुष्प्रभावों से मुक्त रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें सर्वमान की तरह सरल प्रभावों के संक्रामक कीटाणु नहीं होते हैं। नौवां जो है वह सरल सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण मान। पत्र मुद्रा मान अन्य मानों की तुलना में अधिक सरल सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण मान है, क्योंकि इससे सामान्यतः नागरिकों के लिए समझना आसान है, यानी सामान्य नागरिकों के लिए समझना इसे आसान है। विभिन्न मूल्य की मुद्राएं भिन्न भिन्न रूप रंगों एवं आकार प्रकार की निकाली जाती है, तथा एक मूल्य की मुद्रा एक ही रूप रंग आकार प्रकार की निकाली जाती है, जिससे उनमें एक रूपता बनी रहती है। दसवां है बैंकिंग विकास। पत्र मुद्रा के आसान निर्गमन तथा सुविधापूर्ण लेन देन के कारण बैंकिंग व्यवसाय में काफ़ी प्रगति होती हुई है। फिर अगला है संकटकालीन मित्र। लॉर्ड किस के अनुसार सरकार पत्र मुद्रा का द्वारा उस कठिन समय में जीवित रह सकती है जब किसी अन्य साधन द्वारा जीवित रहना कठिन होता है। संकट काल में पत्र मुद्रा मान ही एक ऐसा मार्ग है जो न केवल काम करता है, वरन देश के संकट के समय आवश्यक मौद्रिक साधन उपलब्ध कराकर उसे उबारता भी है, इसलिए इसे संकटकालीन मित्र भी कहा जाता है। अब है पत्र मुद्रा मान के दोष। अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय। पत्र मुद्रा मान के में मौद्रिक अधिकारी पर मुद्रा निर्गमन करने का किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। इसके अंतर्गत नहीं तो धातु कोषों की मात्रा का बंधन होता है, नहीं पत्र मुद्रा की मात्रा सीमा निश्चित होती है। यदा कदा जहाँ पत्र मुद्रा निगमन की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है, वहाँ उनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है। इससे समाज में मुद्रा प्रसार की भयंकर प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है तथा मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट होने लगती है। फिर स्वयं संचालकता का अभाव। पत्र मुद्रा का जन्म और प्रचलन मौद्रिक अधिकारी की देखरेख में होता है। संपूर्ण पत्र मुद्रा मान सरकार के अत्यधिक प्रतिबंधों नियंत्रणों तथा निर्देशों के द्वारा संचालित होती है। इसमें सर्वमान जैसी स्वयं संचालकता का अभाव पाया जाता है। विनिमय दर में अस्थिरता। इसमें विनिमय दरों में अस्थिरता यानी स्थिरता अत्यंत कठिन काम होता है। चौथा सीमित स्वीकृत क्षेत्र। पत्र मुद्रा के स्वीकृत क्षेत्र अत्यंत ही छोटा है, संकुचित है अन्य धातु मुद्राओं की तुलना में, क्योंकि इसका कारण आंतरिक मूल्य शून्य होना है। फिर अगला है कीमत स्तर में
स्थिरता। फिर उसके बाद में जन विश्वास का कम होना। अब आते हैं अगले में, एक आदर्श मुद्रा मान के गुण विशेषताएं एवं आवश्यकता तो क्या है वो है। पहले मितव्ययता, एक आदर्श मुद्रा मान वह होता है जिसमें मौद्रिक व्यवस्था के संचालन में लगने वाला समय, श्रम एवं धन न्यूनतम होता है। फिर दूसरा धन विश्वास, तीसरा लोचशीलता, फिर अगला है मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता, फिर अगला है स्वयं संचालकता, सरलता, परिवर्तनशीलता, वैधानिक मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण की समुचित व्यवस्था, सुरक्षा एवं टिकाऊपन। ये 10 जो है एक आदर्श मुद्रा मान के गुण विशेषताएं आवश्यक तत्व होते हैं। अब जो इसमें जो सवाल बनता है वह पत्र मुद्रा मान की व्याख्या कीजिए तथा इसके गुण दोषों का विश्लेषण कीजिए।